है और जो है सोशल वेलफेयर का काम हम जिनका जितना जुल्म आज तक हम सहते रहे हैं आज हम नहीं सहें। जैसा कि यह एहतजाज है ये सभी चार खत्ों में हो रहा है, कश्मीर में भी है, लेह में भी है, करगिल में भी है। अगर ये मसला जल्दी हल नहीं होगा, ये आर्डर मंजूर नहीं किया जाएगा, तब यह एहतजाज बिल्कुल नहीं रुकेगा। हमारा सोशल डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल एग्जीक्यूटिव के पास है हमारे कौंसल से, उधर से भी हमको कोई जवाब नहीं आ रहा है। हम एक हफ्ते से पहले से ही हमने उनको बोला है कि हम सरपंच के अंडर काम नहीं करना है। जब हम सरपंच के अंडर काम करना है तो हमारा डिपार्टमेंट किस लिए है? हमारा उधर मिनिस्टर है, हमारा डायरेक्टर है, वो क्या करना है? उनको क्या काम है उधर बैठ के क्या करना है? हम उनके अंदर बिल्कुल मंजूर नहीं है, हम ये आर्डर नहीं ले सकते, हम नहीं करेंगे उनके अंडर काम। जैसा कि हमारा ऑनरेम भी है जो 2018 अक्टूबर से अभी तक बिल्कुल खाली है, बिल्कुल नहीं निकाला गया है, फिर हमारा CDPO क्या करेंगे, हमारा सुपरवाइजर क्या करेंगे जब हम सरपंच के अंडर काम करेंगे? आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ये आर्डर वापस किया जाए। अगर नहीं किया तो ये एहतजाज रोकना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा गवर्नर साहब को।